वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट पे। इस वीडियो पे हम बात करेंगे जो हमारे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल हैं EMRS जिसको कहते हैं, उसमें जो PGT की वैकेंसी 2023 में आई है, जो टोटल 2266 पद हैं PGT के, तो इसके हम एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की बात करेंगे। एग्ज़ाम डेट कब तक हो सकती है, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम क्या है, लास्ट डेट क्या है, और बेसिकली इसमें बात करेंगे एग्ज़ाम सिटी की, कि हमारी जो एग्ज़ाम सिटी है उसको लेके क्या ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। अगर हम EMRS की बात करें, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, तो अगर इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग, काफ़ी लंबे समय के बाद इसमें वैकेंसीज आ रही हैं, तो इसको बेसिक इन्फॉर्मेशन यह जान लीजिए कि यह एक तरह का रेसिडेंशियल विद्यालय होता है जिसकी स्थापना 1997 से 98 में 98 में की गई थी, और बेसिकली इसका उद्देश्य था ख़ास तौर पे पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए, यानी जो छात्र पिछड़ी जाति के होते हैं, पिछड़ी जाति के, तो उनके लिए यह विद्यालय बनाया गया था जाति के लिए, और इसमें वही लोग पढ़ते हैं जो इसमें दिखाए जाते हैं कि कैसे पिछड़ी जाति को आगे करने के लिए एक अवसर प्रदान किया जाए, तो वो चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़, इस वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं कि इस रेसिडेंशियल विद्या में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, इसका एग्ज़ाम और सिलेबस क्या है, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है, और ड्यूरेशन लास्ट डेट इस फॉर्म की 31/7/2023 तक भरने की, एग्ज़ाम सिटी, इस पर सारी बात करेंगे। अंत तक बन रही, आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले एग्ज़ाम सिटी की बात करें, तो आपको इसके एग्ज़ाम भारत के हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, सुनिएगा, हर एक राज्य, यानी टोटल 37 स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेशों में इसके सेंटर बनाए गए हैं। देखिए, जैसे कि हम देखेंगे इसमें अंडमान निकोबार्स में एक सेंटर आपको मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा, अरुणाचल प्रदेश मिल जाएगा, असम मिल जाएगा, बिहार में मिल जाएगा, चंडीगढ़ मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा। अब बेसिकली देखिएगा, जो स्टेट की जो राजधानियां हैं वहीं पे इसके सेंटर बनाए गए हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का आपका लखनऊ में बना हुआ, त्रिपुरा का अगरतला, तो ये समझ लीजिए कि जो राजधानी, जिस स्टेट की जो भी मेन राजधानी है, राजस्थान का जयपुर, तो बेसिकली जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो वहाँ के जो भी आपके कैपिटल है, राजधानी, वहाँ पर इसके सेंटर आपको, अप्रोक्स सारे सेंटर आपको मिल जाएंगे। अगर इसके हम बात करेंगे वैकेंसीज की, कि इसमें कितनी, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं, तो अगर मैं बेसिकली इंग्लिश सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता हूँ, इंग्लिश सब्जेक्ट का, जिसको अभी आप लोगों ने NBS और KBS में, जो अभी NBS और KBS में जो भी लोग हमसे स्टडी मटेरियल लिए थे, स्टडी मटेरियल, उसमें से बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, एक हमारी बिहार की छात्रा थी उनका भी सिलेक्शन हुआ है, और बेसिकली हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट का देख लेते हैं, मोटा मोटी सारे सब्जेक्ट के मैं PDF आप लोग को मिल ही चुकी होगी, वेबसाइट पे भी पड़ी हुई है, आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हमारी इंग्लिश सब्जेक्ट की है, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके टोटल 246 पद हैं, जिसमें जर्नल के 102, EWS के 24, OBC नॉन क्रीमी लेयर के आपको मिल जाएंगे 66 पद, SC के 36, ST के 18, और OH और विंडो 11 के 5 पद हैं। देखिए, तो इस बेसिकली हिंदी में भी आप देखेंगे तो हिंदी के 200 पद, मैथ के 244 पद, केमिस्ट्री के 169 पद, फिजिक्स के 179 पद, 236 बायोलॉजी के हैं, हिस्ट्री के 185, ज्योग्राफी के 154, कॉमर्स के 140, इकोनॉमिक्स के 61 और कंप्यूटर साइंस के 172। तो आप लोग देखेंगे जो इंग्लिश सब्जेक्ट हमारा है, टोटल 246 है पोस्ट है, तो काफ़ी लंबी वैकेंसीज हैं, ना ही NBS में इतनी वैकेंसी आती है, ना KBS में, PGT में तो नहीं आती, लेकिन एक सारी सुविधाएं आपको NBS और KBS की मिलेंगी। NBS और KBS में जितने भी रेसिडेंशियल स्कूल, सेम उसी पैटर्न पे बेसिकली ये थोड़ा सा अलग बनाए गए रहते हैं, या थोड़ा सा पिछड़ी जाति के लोगों को आगे लाने के लिए जो भी छात्र रहते हैं उसको लिए बनाया जाता है। अगर इसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की बात करें, तो इसका बहुत ही PGT का बहुत ही सिलेबस, बहुत छोटा सा सिलेबस है, और इसको देखेंगे हम लोग तो इसका जो टोटल मार्क्स एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, और ये देखिए CBT मोड पे होगा, ध्यान दीजिएगा, CBT मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो CBT मोड पे टोटल क्वेश्चन 130 ए हैं, प्लस 20 क्वेश्चन आपके एंड लैंग्वेज कंप्यूटर, यानी टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, और कैसे कैसे डिवाइड किए गए हैं अगर इसकी बात करेंगे, तो जनरल अवेयरनेस का जो पेपर है आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क के, ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो रहेगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज रहेंगे 10 क्वेश्चन 10 मार्क के, और टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 प्रश्न आएंगे। बाकी जो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो सिलेक्शन आपका होता है मेन सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड, यानी आपकी इंग्लिश की अगर बात करें, तो इंग्लिश अगर PGT देना चाहते हैं, तो इंग्लिश की मेन सब्जेक्ट 70+5+5, इसका क्या मतलब है, देखिएगा
70+5+5 की अगर बात करें तो 70% आपके जो मेन सब्जेक्ट का सिलेबस है, इस वीडियो के बाद में इंग्लिश PGT के डिटेल सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे। तो आधे घंटे के बाद आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें हम डिटेल वीडियोस बनाएंगे और उसमें बताएंगे कि कैसे आपको स्टडी करना है और इंग्लिश सब्जेक्ट में कहाँ से आप स्टडी मटेरियल ले सकते हैं जिससे आपको बेनिफिशियल हो सका है। तो देखिए 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट होगा जो आपका सिलेक्शन जो होगा यहीं से निर्धारित होगा। उसके बाद 5 क्वेश्चन जो एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज बेस्ड ऑन पेडागॉजी एंड केस स्टडी क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हुआ होता है जैसे आप एक क्लास में अध्यापन कर रहे हैं, पीछे वाली ब्रेन से 2-4 लड़के मतलब हल्ला कर रहे हैं, साउंड कर रहे हैं, क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप उनको क्या पनिशमेंट देंगे? उनको खड़े कर देंगे, क्लास से बाहर कर देंगे या उनको समझाएंगे? ऐसे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि एज ए टीचर आप कैसे हैंडल करेंगे। बाकी जो 5 प्रश्न हमारा है या NEP से आएगा, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। न्यू एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो सारे स्कूलों में अप्लाई की जा रही है। इसके बाद जो 20 क्वेश्चन है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का, तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में 20 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको 40% पाना अनिवार्य है, यानी 20% का 40% होता है 4 × 20 क्वेश्चन का 2, यानी 8 प्रश्न आपको सही करने हैं। अगर 8 प्रश्न आप सही नहीं कर पाते हैं जिसमें से 10 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे, अगर आप 8 क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हैं तो आपका जो मेंस है आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे और मेंस की कॉपी यानी जो मेन सब्जेक्ट है 130 नंबर को चेक नहीं की जाएगी। यानी लैंग्वेज में आपको कम से कम 40% मार्क पाना कंपलसरी ही है, इससे आप अवॉइड नहीं कर सकते। ओवरऑल ये सब्जेक्ट रहा। और अगर इसकी एग्ज़ाम डेट की देखिए बात करें तो एग्ज़ाम डेट अगर हम देखेंगे एग्ज़ाम डेट की, तो अभी इस तो 31 जुलाई तक इसका क्या फॉर्म ही भरे जा रहे हैं। 31 जुलाई से आपको 60 दिन का समय देगा, 60 से 80 दिन के भीतर इसके एग्ज़ाम हो जाने हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहें क्योंकि इसका एग्ज़ाम NTA करा रही है, NTA की वेबसाइट से। तो काफ़ी अच्छा कंपटीशन इसमें देखने को मिलेगा, जो बच्चे डिफरेंट स्टेट से पूरा ऑल इंडिया से इसके बच्चे भरेंगे तो इसका एग्ज़ाम बहुत जल्दी आएगा और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो एग्ज़ाम आपका मान लीजिए जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर, तो अक्टूबर तक इसके एग्ज़ाम किसी भी हालत में आपको हो जाएंगे। तो इसके लिए इसकी तैयारी के साथ जुड़े रहें और हमसे इसी तरह जैसे कि हम इस वीडियो के बाद सिलेबस का डिटेल वीडियो लाएंगे। अगर आपको सारे सिलेबस की डिटेल वीडियो उसको डिस्कस करके चाहिए तो मैं उसके लिए भी बना दूंगा, नीचे कमेंट में करिए अपना सब्जेक्ट। तो इसके बाद एक इंग्लिश सब्जेक्ट का डिटेल वीडियो आने वाला है जिसको देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट में कहां कहां से क्वेश्चन बनेंगे। यानी अगर इंग्लिश PGT की आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। इस पर वीडियो ऑलरेडी जो उसका सिलेबस है मैं KBS NBS में कवर करा चुका हूं और इस पर ऑलरेडी वीडियोज हमारे चैनल पर KN दारूवाला, मुर्ग राजानंद जैसे कॉन्सेप्ट, नजीम मिचकिल जो इसमें शामिल किए हैं सिलेबस में, मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना के दे चुका हूं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।